हेलो गाइस, कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश राणा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बात करी है झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के बारे में। सो दोस्तों, इससे पहले जो भी कैरियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के PDF के लिए आप कैरियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और जो भी JPSC और JSSCGL का ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप कैरियर फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों, यहां आपको झारखंड GK का स्पेशल और मैथ्स रीजनिंग का स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम बात करते हैं आज का फर्स्ट करेंट अफेयर। निम्न में से किस गाँव को झारखंड का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गाँव बनाया जाएगा? बोल रहा है झारखंड का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव किसे बनाया जाएगा निम्न में से? तो बोल रहा है करनी, देहर, इचाक और पथलगड्ढा। तो इसका सही आंसर है देहर। ठीक है, देहर। देहर जो है हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में पड़ता है और इसे झारखंड का पहला स्मार्ट और आत्मनिर्भर गांव बनाया जाएगा। इस योजना के तहत इस गाँव में सोलर पावर प्लांट से बिजली मिलेगी जो टाटा पावर इस पर काम करेगी। इस सोलर पावर से 1 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। पूरे गांव में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगा और 50 बेड का अस्पताल यहां बनेगा। ठीक है, इस योजना में आर्थिक मदद जो है वो कर रहा है ONGC फाउंडेशन और ONGC फाउंडेशन के अलावा ओला फाउंडेशन और टाटा पावर इसमें आर्थिक मदद कर रहा है। इस पूरी योजना में 15 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाया गया है और इस योजना की जो रूपरेखा है इसी गांव के एक इंजीनियर जो IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं ने उसकी रूपरेखा तैयार की है। सो दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड में कौन सी सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई है? ठीक है, बोले झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद हो गई, वो झारखंड की कौन सी कपड़ा मिल है? तो झारक्राफ्ट, ओरिएंट क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट या ओपन फील्ड मार्केट क्राफ्ट। तो इसका सही आंसर है ओरिएंट क्राफ्ट। ठीक है, ओरिएंट क्राफ्ट झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल था जो अब बंद हो चुका है। झारखंड में इसका 2 यूनिट कार्यरत था। पहला यूनिट जो था खेलगांव में और दूसरा यूनिट इरबा में और दोनों इकाई जो है अब इसका बंद हो गई है। ठीक है, दोनों इकाई बंद हो गई है। इसमें लगभग 3,500 कर्मचारी जो है अब बेरोजगार हो गए हैं और इसमें बताया गया है कि इसका बंद होने के कारण, तो बंद होने की सबसे बड़ी वजह बताया गया है कि सरकार द्वारा तय सब्सिडी 1 साल में नहीं दिया जाना माना जा रहा है। ठीक है, जो सरकार सब्सिडी तय की गई थी वो 1 साल से यहाँ नहीं प्रोवाइड कर रही थी जिसके चलते ये बंद हो चुका है ऐसा माना जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं कि हाल ही में राकेश अस्थाना को BSF का DG डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे झारखंड के किस स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं? ठीक है, राकेश अस्थाना को आप जानते हैं। राकेश अस्थाना इससे पहले भी क्या है CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं, अब इसे BSF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो ये झारखंड से किस स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं? सैनिक स्कूल तिलैया के, DAV पब्लिक स्कूल रांची के या फिर नेतरहाट स्कूल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नेतरहाट स्कूल जो ये पढ़ता है, ये गुमला में नहीं, लातेहार में पढ़ता है। अब लातेहार में वहीं इनका पढ़ाई हुआ है नेतरहाट स्कूल से। राकेश अस्थाना का पिता वो भी नेतरहाट स्कूल के शिक्षक रहे हैं। जो कृष्ण अस्थाना है, राकेश अस्थाना का पिता कृष्ण अस्थाना नेतरहाट विद्यालय के शिक्षक रह चुके हैं और राकेश अस्थाना 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना का मैट्रिकुलेशन के बाद जो पढ़ाई हुआ है सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ है। राकेश अस्थाना BSF के पूर्व डीजी नियुक्त होने से पूर्व BSF के डीजी नियुक्त होने से पूर्व वे CBI के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, और बता दूं कि ये चारा घोटाला और गोधरा कांड जैसे विवादों के में
अपनी जांच में अपनी सहभागिता निभा चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। कौन कौन सा? चारा घोटाला और गोधरा कांड जैसे विवादों में अपनी सेवा दे चुके हैं, ठीक है राकेश अस्थाना। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल इंडिया संथाल बैंक एम्प्लाई वेलफेयर सोसाइटी का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बोल रहा है ऑल इंडिया संथाल बैंक एम्प्लाई वेलफेयर सोसाइटी का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जगन्नाथ मातो, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 74वें झारखंड के द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया है, ठीक है उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राज्य के कितनी डिग्री सब स्टेशन एवं संबंध संचरण लाइन पर योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है? मतलब सीधा सिंपल बोल रहा है कि डिग्री सब स्टेशन और पावर लाइन संचरण, ठीक है संचरण लाइन का उद्घाटन किया है, तो 6 डिग्री सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। बोल रहा है कितने डिग्री सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो 6, ठीक है 6 डिग्री सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और वो ये हैं। फर्स्ट डिग्री सब स्टेशन है भोगाडी, ठीक है डिग्री सब स्टेशन भोगाडी, जो केवी और डाल्टनगंज संचरण लाइन का काम करेगा, ठीक है जो 220 केवी का डाल्टनगंज और गढ़वा संचरण लाइन का काम करेगा। दूसरा है केवी ग्रिड सब स्टेशन जसीडी, जो 220 केवी का दुमका जसीडी संचरण लाइन का काम करेगा। और आपको सिर्फ याद रखना है भोगाडी ग्रिड सब स्टेशन है, जसीडी ग्रिड सब स्टेशन है, और एक है गिरीडी सब स्टेशन है, और दुमका गोड्डा संचरण लाइन है, तो दुमका ये सब स्टेशन है, और तीसरा ये पांचवा जो है सरिया स्टेशन है, सरिया ग्रिड सब स्टेशन जो गिरीडी और सरिया संचरण लाइन पे काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट एक और है, वो है जमुआ गिरीडी सब स्टेशन, जमुआ गिरीडी सब स्टेशन, और ये जमुआ गिरीडी संचरण लाइन भी है। तो आपको सिर्फ सब स्टेशन याद रखना है कि कितना है संचरण लाइन, वो आपको याद नहीं रखना है। तो सब स्टेशन 6 है, और सब याद रखना है जमुआ गिरीडी सब स्टेशन, उसी तरह से सभी को याद रखना है। जमुआ गिरीडी सब स्टेशन हो गया, फिर सरिया ग्रिड सब स्टेशन हो गया, दुमका गोड्डा संचरण लाइन हो गया, और ग्रिड सब स्टेशन गिरीडी, ग्रिड सब स्टेशन गिरीडी, और जसीडी गिरीडी संचरण लाइन, इस तरह से आपको याद रखना है कि 6 है टोटल, ठीक है टोटल 6 सब ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। बोल रहा है राज्य के सभी 24 जिलों के जिला स्कूलों को किस बोर्ड से मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई है? बोल रहा है राज्य के सभी 24 जिला स्कूलों को किस बोर्ड से मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बोल रहा है सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड और फिर आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से इसका मान्यता प्रदान किया जाने की घोषणा किया गया है, ठीक है। और इसे 2021-22 से मान्यता देने के लिए प्रस्ताव सीबीएसई बोर्ड को भेज दिया गया है। जिला स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम का प्रयोग सफल हुआ तो उसे राज्य में खुलने वाले सभी 4,416 लीडर स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद सभी जिला मुख्यालयों में स्थित 24 बालिका विद्यालय, 24 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और 8 अन्य बड़े स्कूलों से भी सीबीएसई को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच संचालित की जाएगी? भारतीय रेल द्वारा दूसरी किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच संचालित किया जाएगा? तो वह है बरौनी से टाटानगर, बरौनी से हटिया और हाजीपुर से हटिया, या बरौनी से कोयलानगर। तो इसका सही आंसर है बरौनी से टाटानगर, ठीक है बरौनी से टाटानगर चलाया जाएगा भारतीय रेल द्वारा किसान रेल है, ठीक है जो किसान रेल चलाया जाएगा बरौनी से टाटानगर, जो दूसरी होगा, ठीक है।
दूसरी किसान रेल जो है भारतीय रेलवे ने पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाने का फैसला किया था। ठीक है, सबसे पहला बीच चलाया है महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाने का फैसला किया था, और दूसरा जो है बरौनी से टाटानगर। किसान ट्रेन में किसान से संबंधित उत्पाद को परिचालन किया जाएगा, और यह ट्रेन जो है बोकारो स्टील और हटिया स्टेशन में भी रुकेगी, और ये तीनों शहर बोकारो, हटिया, रांची और जमशेदपुर, ये तीनों में टाटानगर में दूध का सप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है। ठीक है, बोल रहा है कितने पुलिसकर्मी को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है, तो इसका सही आंसर है 24। ठीक है, इसका सही आंसर है 24, और 24 है जिसमें वीरता पदक के लिए 12 पुलिसकर्मी को वीरता पदक, एक पुलिसकर्मी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, और 11 पुलिसकर्मी को सराहनीय सेवा पदक दिया गया है, सराहनीय सेवा पदक दिया गया है 11 पुलिसकर्मी को, और टोटल इस प्रकार हुआ 24 को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 उम्दा विधायक सर्वे 2020 की सूची में झारखंड के किस विधायक का नाम विशेष विधायक में शामिल किया गया है। ठीक है, फेम इंडिया एशिया पोस्ट की 50 उम्दा विधायक सर्वे में, ठीक है, में झारखंड से किसको चुना गया है, तो अंबा प्रसाद, हेमंत सोरेन, सरयू राय और दिनेश उरांव को, तो इसका सही आंसर है अंबा प्रसाद को चुना गया है। ठीक है, अंबा प्रसाद के अलावा ये सुदेश महतो को भी चुना गया है, झारखंड से अंबा प्रसाद के अलावा सुदेश महतो को भी चुना गया है, और फेम इंडिया का जो लक्ष्य होता है समाज के लिए बेहतर करने वाले को सामने लाना और उन्हें प्रोत्साहित करना। सो दोस्तों, यह है इस वीडियो का अंत, आशा करता हूँ यहाँ को आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद।